आज प्रज्ञा ठाकुर जो कि भोपाल की सांसद हैं, उनकी एक वीडियो शेयर की जा रही है जिसमें वो एयरलाइन पर लोगों से बहस करती नजर आ रही है और उस एयरप्लेन में बैठे लोग भी बिल्कुल भी किसी कीमत पर उनकी सुनने को तैयार नहीं और उनको समझा रही हैं कि आप अपनी सीट चेंज कर लीजिए। दरअसल में प्रज्ञा ठाकुर दिल्ली से भोपाल जा रही थी फ्लाइट में, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे देकर A1 सीट बुक की थी क्योंकि वो व्हील चेयर पर थी तो उनको सबसे आगे बैठना था। लेकिन जो स्पाइस जेट की फ्लाइट होती है उनमें जो सबसे आगे का स्पेस होता है वो पहले से ही रिजर्व्ड होता है और वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट होता है। और एयरलाइन किसी भी कीमत पर, कितना भी बड़ा चाहे कोई VVIP हो, उसको इमरजेंसी एग्जिट के पास नहीं बैठना अलाउ करती, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर वहाँ पर बैठने को लेकर अड़ गई और उन्होंने कहा कि वो तो यहीं बैठेंगे, जिसके बाद बाकी पैसेंजर्स भी उनसे भिड़ गए और कहा कि तुम तो पब्लिक की सर्वेंट हो, तुम नेता हो, लीडर हो, तुमको तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, तुरंत ये सीट छोड़ देनी चाहिए और कोई भी रूल नहीं तोड़ना चाहिए। एयरलाइन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी उनको वहाँ पर बिठा कर प्लेन उड़ाने के लिए, क्योंकि इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और किसी पर भी एयरलाइन विश्वास नहीं कर सकती इमरजेंसी एग्जिट के पास बिठाने का, चाहे वो कोई भी हो उनके अपने स्टाफ के अलावा। यही कारण था कि एयरलाइन अड़ी रही और स्पाइस जेट के एयरलाइन वो जो फ्लाइट थी वो 1 घंटा देरी से उड़ी। हालांकि बाद में जब बाकी के पैसेंजर्स प्रज्ञा ठाकुर से भिड़ गए, प्रज्ञा ठाकुर से साफ कह दिया कि तुम लीडर हो, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी वजह से पूरी फ्लाइट के लोगों को ऐसा सहूलियत हो रही है, इतनी ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आप अपनी जरा जुबान को संभाल कर बात करिए, इसे शर्म वगैरह शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन पैसेंजर ने कहा हम शर्म का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, तुम्हारी वजह से पूरी फ्लाइट लेट हो रही है, हर किसी का वक्त बर्बाद हो रहा है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने 40-45 मिनट बाद उनको हटा दिया गया था और 40-45 मिनट के बाद उन्होंने अपनी सीट चेंज कर ली थी। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन भी लोगों ने प्रज्ञा ठाकुर से बहस की उनके साथ बाद में कुछ अनहोनी ना घटे, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना कोई बुराई नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो कठिनाइयों का सामना किसी को भी ना करना पड़े, चाहे कोई कितना भी बड़ा VVIP हो। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर इस दौरान ये भी कह रही थी कि उनको फर्स्ट क्लास अलाउ है, जिसके बाद पैसेंजर कह रहे थे कि नहीं तुमको फर्स्ट क्लास अलाउ नहीं है। खैर ये तो बहस होती रहती है, सबसे बड़ी खबर तो यही है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है कि भैया 1 घंटा लेट हुई फ्लाइट प्रज्ञा ठाकुर की वजह से। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।